ई गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो सबसे बढ़िया गिफ्ट है। आप अगर किसी को भी सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हो, किसी को फ़ोटो फ्रेम करके देते हो, तो उसकी जगह पे आप ये दे सकते हो, क्योंकि यार ये स्केच है, हैंडमेड चीज़ है और अच्छा भी लगेगा। अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे ऐसा पेंसिल से बना हुआ फ़ोटो, तो वो सामने वाला भी बहुत ही खुश हो जाएगा कि हाँ भाई किसी ने उनका स्केच बनाया है, क्योंकि अच्छा लगता है अगर कोई उनका फ़ोटो बना के दे तो। और वैसे ही मैंने जो रेट रखा है ये स्केचेस का वो बहुत ही कम है, वो मैं आपको मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये है A3 साइज़ की शीट पे, जिसपे तीन लोग हैं और ये एक फैमिली फ़ोटो है जो किसी को गिफ्ट देने के लिए बनवाई है मैं से। और इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है, तो यार ये स्केच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यार ब्लैक बैकग्राउंड रहता है तो जो फेस रहते हैं ना वो हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। जो जहाँ पर अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, आप ये अंकल का फेस देख रहे हो, ये अलग ही वाइट वाइट दिख रहा है। अगर ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होता तो ये वाइट के साइड वाइट दिखता, तो उतना डिटेलिंग नहीं दिखती इसमें। वैसे ये फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा रियल बन रहा है, क्योंकि यार ये क्लियर फ़ोटो था। अगर आप मेरे को ब्लर फ़ोटो दोगे आपकी, तो वो ब्लर ही बनेगा। एंड में मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा कि कितनी ज़्यादा रियल लग रही है, मतलब रियल फ़ोटो से और स्केच में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको थोड़ा एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, मतलब कोई भी आपके फैमिली मेम्बर या किसी को बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहते हो, या किसी को ड्राइंग पसंद है और उनको आप गिफ्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे को आराम से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एक प्राइस लिस्ट सेंड करूँगा और उसमें आपको हर साइज़ के हिसाब से प्राइस मिल जाएंगे। मतलब ये जो मैं अभी बना रहा हूँ वो A3 साइज़ की शीट पर, और इसके अलावा A4 साइज़ की भी शीट आती है, A2 भी आती है, A1 भी आती है। तो जो A4 साइज़ की शीट है वो थोड़ी छोटी होती है, मतलब A3 से हाफ़ होती है, तो A4 साइज़ की शीट थोड़ी छोटी हो जाती है, तो उसमें उतना स्केच में मज़ा नहीं आता। अगर आप उसको फ्रेम करवा के वॉल पे लगाओगे, तो अगर आपको फ्रेम करवा के आपके टेबल पे रखना है या फिर आपके बेड पे जो साइड में जगह रहती है ना वो वहाँ पे, तो वहाँ पे रखना है तो आप रख सकते हो फ्रेम करवा के A4 साइज़ की शीट पर। पर अगर आप A4 का लेके आप फ्रेम करवा के लगाओगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो लगेगा, मतलब जूम करके देखो, आप पास में जाके देखो तो अच्छा लगेगा। और A3 साइज़ परफेक्ट साइज़ है स्केच के लिए। अगर आपको सिंगल में चाहिए या फिर फैमिली फ़ोटो चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, आपको A3 में बेस्ट स्केच बनेगा, मतलब साइज़ के हिसाब से। और उसके अलावा आती है A2, अगर आपके पास बड़ी जगह है, खाली वॉल है, तो आप A2 पे बनवा सकते हो। A2 A3 से डबल हो जाता है, तो उस पर भी अच्छी खासी स्केच बन जाती है, उसमें डिटेलिंग और ज़्यादा दिखती है और क्लियर दिखती है स्केच, तो आप A2 पे भी बनवा सकते हो। उसके अलावा A2 से डबल होती है A1, A1 साइज़ बहुत ही बड़ी हो जाती है। अगर आप उसको फ्रेम करवाओगे तो उसका फ्रेम भी महंगा आएगा और स्केच तो है ही महंगी, क्योंकि बड़ी शीट हो जाती है। बट अगर ये बन जाती है A1 साइज़ की शीट, तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा पैसे वेस्ट हुए, क्योंकि आप मेरा स्केच देखो एकदम रियल लगेगा आपको। मैं आपको थोड़ा एंड में फ़ोटो से कंपेयर करके बताऊँगा। ये जो स्केच है ये फैमिली फ़ोटो है, गिफ्ट देने के लिए बनाया है। इसमें मैंने चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल दोनों यूज़ करी है, मैं सब मिक्स कर देता हूँ, चारकोल ग्रेफाइट। कोई कोई क्या करता है, सिर्फ चारकोल से बनाता है या फिर कोई सिर्फ ग्रेफाइट से बनाते हैं, बट मैं दोनों को मिक्स कर देता हूँ। जहाँ पे डार्क ब्लैक है वहाँ पे चारकोल से, और जो स्किन है या फिर ड्रेस वगैरह है तो उसको ग्रेफाइट पेंसिल से बना देता हूँ। और वैसे ही आपको स्केच कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अगर बनवाना हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। और इसका बैकग्राउंड देखो, ये मेरे को लग रहा है ऐसे दिवाली के टाइम की फ़ोटो है या फिर कोई फंक्शन है तब की फ़ोटो है, क्योंकि पीछे सब जगह लाइट लगी हुई है और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी है सभी ने। मेरे को शादी का भी लग रहा है या फिर दिवाली का, सबसे ज़्यादा लग रहा है दिवाली का फ़ोटो लग रही है। और कितना बढ़िया लग रहा है देखो, आप पीछे देखोगे बैकग्राउंड में तो लाइट भी दिख रही है मैंने जो बनाई हुई है। और अभी मैं ज्वेलरीज भी बनाऊंगा जो आंटी ने पहन के रखी है, और बाकी आपको एंड में थोड़ा कंपेयर करके दिखाऊंगा फ़ोटो से, रियल फ़ोटो से। तो अगर ये आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको अच्छे से बना के दूंगा। पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल बना सकूं, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी को भी बनवा के दोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि किसी ने उनका हाथ से स्केच बनाया, मतलब हाथ से उनकी ड्राॅइंग बनाई है, वो भी पेंसिल से। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मतलब कभी कभी कस्टमर्स आते हैं और एक बार मतलब उनको स्टार्टिंग में शुरू में लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगा है, ये एक्सपेंसिव है और अच्छा भी बना रहे हैं, तो फिर वो हाँ ना करते, हाँ बोल ही देते हैं। बट एक बार जब उनका स्केच बन जाता है तो वो 3-4 ऑर्डर्स और दे देते हैं, ऐसा मेरे पास बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो आपको भी अगर बनवाना हो तो आप बनवा सकते हो, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपकी जो भी डाउट होंगे मैं आपको बता दूंगा।
और पेमेंट मेथड वो सब मैं आपको उसी पे बता दूंगा अगर आपको बनवाना हो तो। आप जल्दी से आके मेरे को मैसेज करो और मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें मैं स्केच से रिलेटेड या फिर अपनी ड्राइंग से रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो फटाक से ना मेरे चैनल को और लाइक बटन को भी दबा देना, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से यार किसी को गिफ्ट दो यार ये, क्योंकि देखो आप दूर से देखो स्केच कितना बढ़िया लग रहा है। और इससे अच्छा स्केच मैंने अभी नौरा फतेह का बनाया था, और इससे अच्छा तो नहीं मतलब ये वाला मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है, कुछ भी बोलो भाई। इसमें तीन लोग हैं और ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पास से देखोगे आपको तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दिखेगी, दूर से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मेरे को फ्रेम करवा के देखना था कि अगर ये फ्रेम कर लूँ तो कैसा लगेगा, तो मैं इस पर सिग्नेचर कर देता हूँ। सिग्नेचर करने से क्या होता है कि जो स्केच रहता है वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हाथ से किसी ने बनाया हुआ है, किसी ने डिज़ाइन किया, तब वो स्केच जैसा लगता है। नहीं तो अगर मैं इस पर साइन नहीं करूँगा तो ये एक फ़ोटो ही लगेगा, इतना कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा, वो ध्यान से देखेगा। तो यार फटाफट से लाग जाके लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते किसी और वीडियो में। जानने से पहले मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ, यही है बस रियल और स्केच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यार मैगी का तो ध्यान ही नहीं था, ठंडी हो गई अब तो। चलो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर दो बस, तो मिलते किसी और वीडियो में, बाय।